कल जो कुछ भी था भक्ति मूवमेंट तो उसके बाद मराठा और प्रोविंशियल किंगडम हमने देखा और विद द डेथ ऑफ औरंगजेब द वेरी मेडिकल हिस्ट्री कम्स टू तो एंड एंड सो गोइंग अहेड आज सुबह आठ बजे आज सुबह बजे प्रतीक सर की क्लास थी डेली करंट अफेयर्स और साढ़े नौ बजे डेली डिफेंस अपडेट्स एंड नौ बजे अनुराधा मैम का इंटरव्यू की क्लासेस थे इंडी की बात करें तो चार बजे इंग्लिश स्पॉटिंग ऑफ एर क्लास सेवन और सीडीएस के लिए मैक्स था ठीक है और अभी मैं साढ़े पाँच बजे दोनों के लिए लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री क्लास सेवन सो आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा आज का लेक्चर थोड़ा बहुत बोरिंग होगा बेटा लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि खासकर सी वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस एरिया में से आते हैं ए टू जेड मैं ब्रिटिश वालों के बारे में कवर करूंगा सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यूरोपियंस आए किस तरीके से थे मिडिवल में हमने देखा ना कि अरब कॉन्क्वेस्ट किस तरीके से हुआ था आहिस्ता से पहले अरब वाले हैं फिर टर्किश अफगान पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत तो उन्होंने फैलाई तो सिमिलर तरीके से यूरोपियंस भी इंडिया में आते हैं उसे अपना घर बनाते हैं ठीक है लेकिन फर्क इतना था कि जो अरब और टर्किश और अफगानिस्तान कॉन्क्स हुआ था वो यहीं पर रुक गए हुए थे वो जो कुछ भी कमाते थे यही खर्च करते थे लेकिन इन लोगों का यू नो रीजन कुछ और था ये जितना भी कमाते थे यहाँ पर जो कुछ भी प्लंडर करते थे उसे अपने यूरोपियन कंट्रीज में भेजते थे तो वो कभी हिंदुस्तान के बन नहीं पाए सो ब्रिटिश के वॉर्स सुप्रीमसी को लीड करने के लिए क्योंकि कई सारे यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर आए हुए थे फ्रेंच है पोर्चुगीज है डेनमार्क के सभी आए हुए थे मैं उन सभी के बारे में भी बताऊंगा तो ब्रिटिश किस तरीके से यहाँ पर लोकल लेवल की लड़ाई या लड़के अपने आप को डोमिनेट बनाता है और अल्टीमेटली ब्रिटिश पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज क्या थे और ब्रिटिश में एजुकेशन किस तरीके से था इंडिया का क्या क्या सोशल और कल्चरल पॉलिसी ब्रिटिश वालों की थी और एडमिनिस्ट्रेशन का एक ओवरव्यू

दूसरा है पुश फैक्टर यानी कि अब मैं यहाँ पर जी नहीं सकता मजबूर हूं पूरी तरीके से ठीक है इसीलिए मुझे किसी दूसरी जगह पर माइग्रेट होना था तो दैट इज पुश फैक्टर यहाँ पर पुश फैक्टर से ज्यादा पुल फैक्टर जो है हमें देखने को मिलता है यूरोपियंस का सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को माना जाता था जो जागीर औरंगजेब ने इस दुनिया में छोड़ के गई हुई छोड़ के गया हुआ था उस पर सारे जहां की नजर थी जो इंडिया का ट्रेड डोमिनेट कर सकता था वो दुनिया का ट्रेड डोमिनेट कर सकता था तो यही वो फ्रेम था 14, 15, 16 सेंचुरी, जब यूरोप में तो को you know, रहे थे सवाल पूछ रहे थे अलग अलग एडवेंचर्स और एक्सप्लोरेशन कर रहे थे तो उसी के चलते हुए से ना पहले पोर्चुगीज वाले थे ज का एक प्रिंस था बहुत ही फेमस तो उसने एक सेपरेट सी कॉलेज रखी हुई थी जहां पर वो शिपिंग के बारे में ही पढ़ाता था तो ऑफ़ एक्सप्लोरिंग थ्रू सी रूट अब इनकी मजबूरी ये भी थी क्योंकि अरब वालों ने पूरा मिडिल ईस्टर्न रीजन को कॉन्क्स्ट किया हुआ था अब इन यूरोपियंस का ईजिली आना जाना खत्म हुआ था और उस यू नो उस रीजन को क्रॉस करके इंडिया तक आने के लिए उन्हें कई टोल टैक्सेसू नो uh, you know, इस तरीके से एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ती थी अब उन्हें बचेगा ही क्या तो नए नए रास्तों की भी जरूरत थी इंडिया को पहुंचने के लिए साउथ ईस्ट एशिया को पहुंचने के लिए इंडोनेशिया इस तरीके के कंट्रीज तो फेजेस में आए बेटा वो ऐसा नहीं कि एकदम से टूट पड़े इंडिया पर तो आस्था से पहले पोर्चुगीज आते हैं 1498 में ठीक है और द नेक्स्ट टू कम वॉज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आखिरी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आता है और यहाँ पर सबसे पावरफुल घमासान लड़ाई इंग्लिश और फ्रेंच के बीच ही होती है तो से ट्रेडर्स बन के वो आए हुए थे लेकिन यहाँ के वो पोलिटिकल मास्टर्स बन गए सो लेट अस वेलकम द पोर्चुज फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है पोर्चुगल स्पेन पोर्चुगल यहाँ पर है ठीक है लिस्बन पोर्चुगल का जो कैपिटल है वहां से आया हुआ था पहली बार आ, एक पोर्चुगल का एक्सप्लोरर वास्को डिगम ठीक है लेकिन उससे पहले भी इंडिया को एक सी सीरोड फाइट आउट करना चाहता था कि एक इटालियन एक्सप्लोरर जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलम्बस फोर्टीन एडी में तो वो बेचारा निकला हुआ था इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए लेकिन एक्सीडेंटली वो कहा गया वेस्ट इंडीज गया ठीक है और उसी को उसने इंडिया का नाम दे दिया लेकिन वो नहीं था कपल ऑफ इयर्स लेटर अमेरिको अमेरिको रिमेंबर नेम इज इंपॉर्टेंट तो एक्चुअली द फर्स्ट हु लैंडेड ऑन अमेरिकन कॉन्टिनेंट लेकिन फिर भी हम श्रेय जो है वो क्रिस्टोफर कोलम्बस को ही देते हैं क्योंकि उतनी दूर तक वही गया था ना एंड उसके बाद सबसे मेजर uh, यहाँ पर ब्रेक थ्रू जो है वो गमा से ही आता है गोर्चुगल के लिस्बन से आया हुआ था ठीक है तो नया सी रूट पूरी तरीके से यूरोप से इंडिया को एस्टेब्लिश किया 1498 ईयर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट यहां से होते हुए पूरे अफ्रीका का चक्कर वो लगाया केप ऑफ होप से होते हुए इस तरीके से वो इंडिया तक पहुंचा कैलिकट ठीक है यहाँ पर मलाबार कोस्ट केरला में वो उतरा और यहाँ पर एक लोकल रूलर थे जमोरिन उन्होंने उसका इस्तकबाल किया और कहा जाता है कि यहाँ पर जितना भी ट्रेड उसने किया और जो वापिस लेके पोर्चुगल को गया सिक्सटी टाइम्स से ज्यादा उसने पैसा कमाया हुआ था सब कुछ स्पाइसेस ही थे स्पाइसेस में ही मसाले ही वो लोगों के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट थे ठीक है क्योंकि ठंड वहां पर ज्यादा थी मीट वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस बहुत ही काम में आते थे तो दिस इज एक्चुअली द वेरी स्टार्टिंग ऑफ यूरोपियन कमिंग इन इंडिया तो आस्था से पोर्चुगीज वालों को पता चल गया कि ये पूरा रूट जो है ना उन्होंने इस पर सुप्रीमसी हासिल की हुई थी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेल यू ये सभी आप बैठ करने के लिए मत जाइएगा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दिया हुआ है यहाँ पर दो नाम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा दूसरा है अल्फोंसो डी ये दोनों जो है वो गवर्नर जनरल थे बेटा पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के ठीक है जैसे हम ब्रिटिशों में कहते हैं ना लॉर्ड डलहाउसी वगैरह तो उसी तरीके से ये लोग भी पोर्चुगीज के थे ये दोनों बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही स्ट्रांग भी थे यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में हमें एक चीज पता करनी है यहाँ पर जो इमेज देख रहे ना वो दरअसल फ्रांसिस्को की ही है तो फिफ्टी 1505 एडी में वो आया हुआ था एंड ही फॉलोड अ ब्लू वाटर पॉलिसी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछा गया है क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी वो क्लियरली कहता था कि हमें इंडिया के पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं है हम वहां पर जाकर जमीन पर क्या लड़ेंगे जमीन पर क्या करेंगे हमें पानी में ही रहना चाहिए हमें सुप्रीम पानी में उस नेवल जो रूट्स होते हैं ना हमें उन्हीं पर ही कब्जा करके रखना चाहिए वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक था उसे पता था कि जमीन पर जितना भी ट्रेड होना था वो खत्म हो चुका हुआ था मिडिल ईस्ट में अरब रूल कर रहे थे चाइना सिल्क सिल्क्यूट इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं था अब दुनिया के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ पानी से ही पहुंचा जा सकता था तो ही वॉन्टेड द पोर्चुज टू कन्फाइन ओनली टू द ब्लू वॉटर्स दूसरा अल्फनजो डी अलबकर क्यू है सबसे ज्यादा एक्सपेंशन यहाँ के लोकल रूलर्स के साथ मिलके एक दूसरे के साथ झगड़ा वगैरह करके इसी ने ही पुश किया हुआ था

अभी फ्रांस में जो आया वास्कोडिगमा आया और उसके बाद की वो डी डी ये सभी कौन थे ये पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स यानी कि प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स आए हुए थे तो जैसा ही उन्होंने रूट फाइंड आउट किया पोर्चुगीज का एम्पायर जो है उस पूरे ट्रेड रूट पर अपना दबदबा जो कायम करता है और से उन्होंने ओपनली कहा कि इस ट्रेड रूट को कोई भी फॉलो करना चाहते तो उसे हमारे पास से लाइसेंस लेना चाहिए पास लेना चाहिए ठीक है तभी हम ना उसे परमिशन देंगे यहाँ से गुजरने की तो अच्छा खासा पैसा पोर्चुगीज वालों ने कमाया हुआ था मोनोपोलाइज किया उन्होंने पूरे इंडियन ओशन के ट्रेड रूट को कई सालों तक किस लिए उनका डिक्लाइन हुआ देखिए हद से ज्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस था पोर्चुगीज बहुत ही रिलीजियस माइंडेड लोग थे

दे नीदर नॉर ये कुछ भी नहीं हुए वो हर तरीके से यू नो अपने रिलीजियस डोमिनेंस को ही असर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और हद से ज्यादा सी पायरेट्स भी चालू हो गए इसी टाइम फ्रेम में जब पता चल गया कि यही रूट है यही से बड़े बड़े लोग आएंगे जाएंगे तो लुटना शुरू कर दिया उन्होंने अलबकर क्यू के बाद बहुत ही वीक सक्सेसर हमें नाम भी नहीं पता उनके ठीक है और पोर्चुगीज का बहुत ही अच्छा लेना देना था विजयनगरा किंगडम के बाद 1565 एडी बैटल ऑफ तल्लीकोटा जिसे बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी भी कहते हैं उसके बाद विजयनगरा का एंड हो गया पोर्चुगीज का बहुत बड़ा सपोर्ट था विजयनगरा तो पूरी तरीके से खत्म हो गया हमने देखा ना श्री कृष्णदेव राय के टाइम फ्रेम में विजयनगरा पोर्चुगीज के ट्रैवलर भी आए हुए थे और वहां पर खुद यूरोप में भी स्पेन के साथ बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहे थे पोर्चुगीज के और आहे से इंग्लिश और डच लोग भी यहाँ पर आए तो पूरी तरीके से पोर्चुगीज का डिक्लाइन हो गया ब्रिटिश का मैं ब्रीफ लेन दूंगा बच्चों क्योंकि आगे पूरा चैप्टर ब्रिटिशों के बारे में ही है तो सिक्सटीन हंड्रेड में वहां पर एक चार्टर क्वीन एलिजथ के पास करने के बाद यहाँ पर ट्रेडिंग फर्म की तरह आए हुए थे जहांगीर के यू नो दरबार में तो जहांगीर ने उन्हें परमिशन दिया हुआ था रॉयल फरमान के वो सूरत में फैक्ट्री सेटअप करें ठीक है तो आहसा से होते होते ये लोग पूरी तरीके से एक्सपैंड करते मैं आप इन डिटेल आगे पढ़ाऊंगा क्योंकि आगे आगे के जितने भी स्लाइड्स हैं वो दरअसल ब्रिटिश के बारे में ही है ठीक है तो रॉबर्ट क्लाइव इस तरीके के पर्सनैलिटी यहां पर आते हैं तो दो इंपॉर्टेंट से बैटल यहाँ पर और अल्टीमेटली 1858 में क्या होता है Revolt of 1857 हो जाता है because of which, uh, Government of India 1858 पास करके पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया को करके ब्रिटिश राज अपने हाथ में इंडिया का एम्पायर लेता है ठीक है को करते हैं डच यानी आज का नेदरलैंड नेदरलैंड वाले भी हाँ। यहां पर आए हुए थे तो कॉर्नेलिस डी सिटीजन थे जिन्होंने इंडिया पर कदम रखा हुआ था इन 1597 एडी इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं था डच ज्यादातर ज्यादा ना ईस्टर्न कोस्ट में ही वो लोग बहुत ही फेमस थे मछलीपट्टनमुसोलीप्नम आज का आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम तो वहां पर ये इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो एस्टैब्लिश की हुई थी ब्रिटेन नॉट फाइव एडी ज्यादातर उनका बेस वहीं पर रहा तो सिक्सटीन नॉट टू एडी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हुगली कोरामंडल कोस्ट नागपट्टनम कोचिन ये सभी रीजन में आस्था आज से उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश की हुई थी डच आहिस्था से अपना पॉलिटिकल पावर असर्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पर केरला में ट्रेवन कोर जो किंगडम था वहां के एक बहुत ही पावरफुल राजा थे मारतांड वर्मा तो 1741 में इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है तो 1741 में घमासान होता है इन बिटवीन द किंग ऑफ ट्रेवन कोर मारतांड वर्मा एंड द डच नेदरलैंड वालों के बीच तो यहाँ पर बैटल ऑफ कोलोचियल होती है बिकॉज ऑफ विच डच पूरी तरीके से हार जाते हैं पूरा बिटरली वो हार जाते हैं कुछ बचा है हेलो हाँ बेटा सर uh, uh, मतलब पूछ सकते हैं मार्तंडा बर्मा द किंग ऑफ डच मार्तंडा बर्मा इज नॉट किंग ऑफ किंग ऑफ डच ही इज किंग ऑफ ट्रेवनकोर केरला केरला है ना बेटा वहां के राजा थे सर हाँ सर जो मतलब थोड़ा सा अभी uh, बीच वाला सेशन में था द अराइवल ऑफ डच इसका क्या है मतलब ट्रेवनकोर का डच का थोड़ा समझ नहीं आता यहाँ पर आए थे ना बेटा यहाँ पर कोचिन में भी तो उनकी फैक्ट्री थी खामोश नहीं बैठते थे लोग फैक्ट्री एस्टेब्लिश करके लोकल पॉलिटिक्स में मेडल करते थे लोकल पॉलिटिक्स में अपने हाथ पैर डालते थे यहाँ के राजा लोग खामोश क्यों बैठेंगे तुम अंग्रेज लोगों आके हमारे बीच लड़ाई झगड़ा क्यों करने की कोशिश कर रहे हो तो यही सिर घूम गया वहां के राजा का मारथांडा वर्मा का और सिनेमा दिखा दिया डच वालों को तो पूरी तरीके से वॉश करके रख दिया ठीक है और 1759 में जो कुछ भी बचा हुआ था ब्रिटिश वालों ने आके उसे जबरदस्त एक्चुअली रॉबर्ट वन ऑफ द फिनल मिलिटरी जनरल क्लेव। ये आदमी था, actually, क्लेव, था लेकिन इंसान को पावर करप्ट करता है हद से ज्यादा बाद में ना बिनविलसी रिगार्डिंग बेंगाल विर इतना इसने लूटा हुआ था कि ब्रिटिश के पार्लियामेंट ब् में इसके खिलाफ मुकदमा हुआ और कहा जाता है कि उसने सुसाइड किया हुआ था बट जितने भी बैटल्स उसने लड़े हुए इंडिया में ब्रिटिश राज को इस्टेब्लिशमेंट करने में रॉबर्ट क्लेव का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है तो डच ऑल्सो वर्चुअली वेंट टू हिस्ट्री ब्रीफ रीजन क्या है डच के डाउनफॉल के एक तो इकोनॉमिक कंडीशन उनके अच्छे नहीं थे इवन नेदरलैंड में भी और हद से ज्यादा डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन था हर चीज के लिए ना एक सेंट्रलाइज डिग्री थी हर बार नेदरलैंड्स तक बात जानी चाहिए परमिशन वहां से लेना चाहिए ट्रेड से ट्रेड को ही प्राइमेसी वो लोग ज्यादा देते दे थे, थे आसपास की चीजों पर कंसंट्रेशन उन्होंने नहीं किया और उनकी नेवी भी इतनी पावरफुल नहीं थी कंपेयर्ड विद द ब्रिटिशर्स डेन्स थी। ठीक है या फिर दानिश पीपल जिन्हें हम कहेंगे यानी कि अपना नॉर्वे और नॉर्वे के ही है ठीक है नॉर्वे डेनमार्क के लोग हैं तो पीपल अक्रॉस द डेनमार्क को आए हुए थे और टू ट्वेंटी फाइव तक उन्होंने भी अपना सेटलमेंट रखा कुछ इतना इन्फ्लुएंशियल इन लोगों ने किया नहीं ठीक है बस अपने आप को ट्रेड तक ही रखते थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं की बार तमिलनाडु के रीजन में और इम्पोर्टेंट उनका बेस था श्रीरामपुर ठीक है बंगाल में तो बंगाल और तमिलनाडु के रीजन में और निकोबार आइलैंड्स में वो अपने जितने भी इम्पोर्टेंट से फैक्ट्रीज वगैरह थे वो रखते थे और वहीं से वो अपना ट्रेड करते थे तो क्रिस्टियान फोर जो के नॉर्वे और डेनमार्क के राजा थे उन्होंने पहली बार चार्टर रिलीज किया हुआ जिसकी मदद से दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया हुआ था और 12 साल का लाइसेंस जो वो दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया हुआ था इतने इन्फ्लुएंशियल ये लोग नहीं थे दे लिटरली वेंटेड टू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री आखिरी जो इंडिया में आने वाले थे बेटा इट वाज एक्चुअली फ्रेंच और ब्रिटिशों के बाद सबसे पावरफुल दर्शक ब्रिटिशों के बाद नहीं ब्रिटिश जितना पावरफुल था उतने ही पावरफुल फ्रेंच थे तो लुइस फ्रेंच को रूल कर रहे थे उस जमाने में लेकिन उनसे ग्रेट उनका एक मंत्री था कोलबर्ट तो कोलबर्ट ने ये सभी चीजों को देखा कि आसपास के यूरोपियन कंट्रीज जो है ना वो अपने खुद के कंपनीज बना रहे हैं दूर दूर भेज रहे हैं हम क्या कर रहे हैं तो पहली बार उसने क्या किया उसने किंग लुइस फोर्टीन को परसिव किया और 1664 एडी में फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिशमेंट किया तो अभी जितने भी हमने कंपनीज देखी ईस्ट इंडिया डेनिश हो या फिर डच हो ठीक है ये पोर्चुगीज हो ये सभी प्राइवेट कंपनीज थे लेकिन फ्रेंच एकलोती ऐसी कंपनी थी जो खुद वहां की सरकार ने स्टैब्लिश किया हुआ था ठीक है तो उसका मैनेजमेंट उसके फंड्स सभी जो थे वो सरकार से ही आते थे तो एक तरफ से देखें तो इसे फंड्स वगैरह की कमी नहीं थी सरकार जितना चाहिए उतना खर्चा करने के लिए तैयार था लेकिन यही नेगेटिविटी भी थी क्योंकि जब सरकार है तो हर चीज सरकार ही करेगी इवन छोटा सा कोई कदम उठाने के लिए भी उन्हें फ्रांस से परमिशन लेनी पड़ती थी मैं आगे बताऊंगा वन ऑफ द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ फ्रेंच तो पहला फ्रेंच फैक्ट्री जो है वो सूरत गुजरात में स्टैब्लिश किया गया था 1667 एडी में बाद में मलाबार यानम जो कि कोरामंडल कोस्ट है कराइकल तमिलनाडु इन सभी रीजन में उन्होंने स्टैब्लिश किया ये नाम याद रखिएगा डुप्लेक्स बहुत ही प्रोमिनेंट ये क्लोते ऐसे यहाँ पर हमें गवर्नर जनरल देखने को मिलते हैं जिन्होंने फ्रेंच का दबदबा पूरे इंडिया पर मचाया हुआ था तो 1742 में वो आए हुए थे और जैसा ही वो आए एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से हमें सीन पर देखने को मिलता है जिन्हें हम कर्नाटिक वॉर्स भी कहते हैं ठीक है अब यहाँ से बाकी यूरोपियंस की कहानी खत्म यहाँ से सिर्फ दो ही दिग्गज एक दूसरे के साथ झड़पने के लिए रेडी है बेटा एक है ब्रिटिश दूसरा है फ्रेंच द जोश ठीक है first of all. अभी तो Europeans का खत्म हो गया, अभी तो दो ही बचे हुए एक इंग्लिश और एक फ्रांस ये जितना भी आप रीजन देख रहे हैं ना यहाँ पर छोटे छोटे सल्तनतें प्रिंसली स्टेट्स बहुत सी चीजें थे इन सभी को कर्नाटिक रीजन कहा जाता था ठीक है कर्नाटिक आज का कर्नाटका नहीं कर्नाटिक रीजन नाम रखे थे ब्रिटिश वाले लोग तो नियरली बीस साल तक इन दोनों का बिल्ली का झगड़ा होता है एंड ब्रिटिश ठीक है तो बंगाल के रीजन में तो पावरफुल रूलर थे वहां पर अलीवर खान बिकॉज ऑफ हिम ये दोनों खामोश रहते थे लेकिन साउथ में इतना पावरफुल पर्सन नहीं था तो लड़ाई झगड़ा कॉन्स्टेंटली होता था लेकिन ये लड़ाई झगड़ा महज ट्रेड की सुप्रीमसी के लिए नहीं था बेटा ये लड़ाई झगड़ा इंडिया का पोलिटिकल मास्टर बनने के लिए था तो इनिशियली कर्नाटिक वॉर पहला कर्नाटिक वॉर जो है में छेड़ा जाता है मैं बस आपको चंद नाम और टाइम लाइन बताऊंगा बस उन्हें याद रखो कर्नाटक रीजन में एक नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था अनवरुद्दीन ठीक है तो अनवरुद्दीन देखो अनवरुद्दीन नवाब थे वहां पर ब्रिटिश भी थे और फ्रेंच भी थे वहां पर दोनों ट्रेड कर रहे थे फ्रांस क्या करता है डुप्लेक्स था ना डुप्लेक्स को खामोश बैठने की आदत नहीं थी डुप्लेक्स पूरी तरीके से पक्का कैंडिडेट था वर्ल्ड वॉर मचाने के के लिए इतना पोटेंशियल था उसमें तो डुप्लेक्स क्या -क्या? डुप्लेक्स क्या किया अनवरुद्दीन पास गया और उसने कहा कि हमें सपोर्ट कीजिएगा हम क्या करेंगे हम मद्रास को जीत कर देंगे मद्रास उस वक्त इंग्लिश के अंडर था यानी कि ब्रिटिश लोग वहां पर रह रहे थे तो अनवरुद्दीन ने चालाकी से क्या किया तो चलो ठीक है ऐसा तो नहीं करूंगा कि मैं तुम्हें सपोर्ट दूंगा लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा कि उन्होंने अनाउंस किया कि मेरा एरिया जो है वो न्यूट्रल है यानी कि मैं ना फ्रेंच के साथ हूँ ना ब्रिटिश के साथ हूँ तुम कुछ भी झगड़ के मर लो तो यहाँ पर क्या हुआ पहली बार ड्यूप्लेक्स जो है वो चढ़ाई करता है ब्रिटिश के ऊपर दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है ड्यूप्लेक्स बहुत ही फिनोमिनल कमांडर था तो ड्यूप्लेक्स यहाँ पर जीत जाता है और जैसा ही ड्यूप्लेक्स जीत जाता है उसे अनवरुद्दीन को चाहिए था ना कि मद्रास दे दे लेकिन ड्यूप्लेक्स ऐसा नहीं करता वादा खिलाफी करता है तो अनवर क्या करता है अनवर इमीडिएटली ब्रिटिश के पास जाता है ब्रिटिश ऑलरेडी आया हुआ था हेल्प मांगने के लिए अरवरुद्दीन ने क्या कहा कि भाई मेरी लड़ाई नहीं है तुम दोनों की लड़ाई है तो अनवरुद्दीन को ब्रिटिश गारंटी देता है कि हम आपके साथ हैं आप क्या कहिएगा आप अपने आर्मी को हमें लैंड कीजिएगा तो महफूज खान एक बहुत ही प्रोमिनेंट से आर्मी जनरल थे अनवरुद्दीन के तो उनके साथ ब्रिटिश मिलकर अगेन फ्रेंच कंटिजेंट के साथ यानी कि डुप्लेक्स के साथ झगड़ा करते हैं वही होता है जो होना था ड्यूप्लेक्स यहाँ पर ब्लैक और ब्लू उन्हें हरा देता है तो फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटिक जो है वो अनवरुद्दीन और ब्रिटिश की हार होती है ड्यूप्लेक्स अल्टीमेट यहाँ पर केजीएफ का हीरो बन जाता है ठीक है सो so, ट्रीटी ऑफ एक्सिल्ला शापेल जो थी वो साइन की गई थी और दिस वॉज एक्चुअली द फर्स्ट राउंड ऑफ एंग्लो फ्रेंच कंफ्लिक्ट इन इंडिया वहां पर भी यूरोप में भी दो लोग ज, दो लोग जो है वो कंटिन्यूसली झगड़ रहे थे तो यहाँ पर हुआ क्या कि इंग्लिश पोजिशन जो इंडिया में थे उसे रिटर्न कर दिए गए तुम अपने पास रख लो लेकिन नॉर्थ अमेरिका में जो फ्रांस के पोजिशन थे उन्हें वापस देना पड़ेगा यानी कि देखो कि इंडिया के एक वॉर में इंटरनेशनल देखने को मिल रहे हैं तो ये अनवरुद्दीन का पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं अनवरुद्दीन को तो जो बना दिया गया अब खामोश क्यों बैठेंगे ब्रिटिश भी हो या फिर अनवरुद्दीन भी हो और यूरोप में भी इन लोगों का झगड़ा चल रहा है तो सेकंड कर्नाटिक वॉर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है से 1754 बिल्कुल उसी तरीके से लड़ाई झगड़ा एंग्लो फ्रेंच राइवलरी लेकिन यहाँ पर चंद इंपॉर्टेंट से नाम फिर से आते हैं 1748 में बेटा होता क्या है हैदराबाद के निजाम निजामुल उल मुल्क का सब्जा जो के पहले थे उनकी मौत हो जाती है और यहाँ पर वॉर ऑफ सक्सेशन कौन बनेगा दी किसे जेचाई हाँ अमन सर इस वाले टाइमलाइन में अमेरिका मतलब कॉलोनी था ना ब्रिटेन की ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं था अमेरिका में तेरा कॉलोनीज थे हम यही यहाँ जो खेल खेल रहे थे ना ये लोग अलग अलग यूरोपियन पावर्स उसी तरीके से अमेरिका में भी थे लेकिन ज्यादातर फ्रीडम था उनके पास हम मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का जब सेशन पढ़ाऊंगा आई टेल यू ठीक है वहां पर भी ये लोग एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे तो नाइनटीन okay, हाँट में क्या हुआ निजाम की मौत हो गई निजाम के बाद यहाँ पर देखो खामोश थोड़ी ना रहेंगे इतना पावरफुल किंगडम निजाम ने बना हुआ था तो मुजफ्फर जंग एक पर्सनालिटी थे जो निजाम बनना चाहते थे और चांद साहेब उसी कर्नाटिक रीजन में एक छोटा सा किंगडम था आरकोट का रीजन तो चांद साहेब जो थे वो गवर्नर बनना चाहते थे आरकोट के तो हुआ क्या इन दोनों ब्रिटिश के पास जो है ना वो चले जाते हैं हेल्प मांगने के लिए तो यहाँ पर अगेन बैटल ऑफ अंबर होता है यहाँ पर भी डुप्लेक्स जो है ना फ्रेंच गवर्नर अवेलेबल है तो चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को ना यहाँ पर सपोर्ट दी जाती है लेकिन यहाँ पर भी ट्रेचरी देखो आहिस्ता से एक दूसरे के आग पलट रही है ठीक है यहाँ पर पहली बार असली बार क्या होता है डुप्लेक्स पूरी तरीके से ना पासा पलट देता है और किंग मेकर की तरह वो बन जाता है तो यहाँ पर अगेन इंग्लिश और अनवरुद्दीन को हराकर कर वॉट ही डज इट चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग को जो कुछ भी प्रोमिस किए गए थे वो उन्हें दिया जाता है फॉर टाइम टाइम ये दोनों पपेट्स ही थे जाहिर सी बात थी बाद में क्या होता है अब वो पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था यहाँ पर चंदा साहिब को आहिस्ता से ना राजा उसे पूरी तरीके से मर्डर करवा देता है अब चंदा साहेब का खेल तो खत्म निजाम को ओपनली वहां पर वार्निंग दिया गया था कि खामोश बैठे गए या फिर तुझ पर भी चढ़ाई करें तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल इश्यूज वर हैपनिंग फ्रेंच को वहां पर लगता है कि ये सभी चीजें जो है वो डुप्लेक्स की वजह से ही हो रही हैं ठीक है ये ट्रेड बढ़ाना छोड़ यहां पर लोकल पॉलिटिक्स में हद से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो ड्यूप्लेक्स को यहाँ पर सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बाद वापस बुला लिया गया होता सेकेंड कर्नाटिक वॉर में ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई बेटा यहाँ पर एक ही डिस्कशन यही किया गया कि जो कोई भी जिसके जिसके हाथ में जो कोई भी पोजिशन है वो उसी के पास रहेंगे फर्स्ट वॉर में हमने देखा ना कि ब्रिटिश को मद्रास दिया गया और फ्रेंच वालों ने नॉर्थ अमेरिका के पोजेशन लिए तो यहाँ पर यह कहा गया कि अभी वॉर के टाइम में आपके हाथ में क्या क्या था वो आप ही का ही रहेगा एक दूसरे को देने की जरूरत नहीं है सो ट्रीटी ऑफ पॉन्डीचरी यहाँ पर साइन uh, की गई थी एंड रिमेंबर डुप्लेक्स यहाँ से चला जाता है ठीक है इसके बाद ड्यूप्लेक्स uh, और ड्यूप्लेक्स के बाद कोई भी ऐसा पावरफुल पीपल नहीं आता एंड देन कम्स अ थर्ड कर्नाटिक वॉर पर इंडिया से ज्यादा रिप्रकर्शन यूरोप में था यूरोप में सेवन ईयर वॉर्स चल रहा था साल से लगातार ये लोग लड़ रहे थे ना अल्टीमेटली उसका एंड बोलना चाहते थे वो तो जाहिर सी बात है कि यूरोप के, के रिप्रकशन हमें इंडिया में भी देखने को मिलेंगे ब्रिटिश वालों ने बहुत खतरनाक चाल चली हुई थी वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलिटरी जनरल सर एयर कोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्सन को भेजा हुआ था आठ दस डुप्लेक्स को मिलाएंगे तो एक ऐसा पर्सन बनता था ये

अब ब्रिटिशों के पास क्या था बाकी हिंदुस्तान मुकम्मल हिंदुस्तान था जीतने के लिए तो ट्रीटी ऑफ पैरिस यूरोप में साइन की गई थी बिकॉज ऑफ दैट इंडिया में भी थर्ड कर्नाटिक वॉर को खत्म कर दिया गया था और फ्रेंच वालों को महज छोटे छोटे एरियाज में फंसा दिया गया था आज जो आप पांडिचेरी का यूनियन टेरिटरी देखते हैं ना बेटा वो तो दरअसल इसी ट्रीटी के बाद फ्रेंच लोग वहां पर रह चुके हुए थे यहाँ पर माहे करेकल पुदुचेरी और यानम ये चारों जगह पर फ्रेंचों को बिठा दिया गया था अब यही से तुम ट्रेड करो यहाँ से बाहर निकलोगे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे तो आप सभी को भी पता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रेंच कॉलोनी थी ठीक है थीके? आज भी आप इन पौंडीचेरी में जाएंगे तो फ्रेंच कॉलोनी में घूमे जैसे दिखेगा आपको सो एंड सिस्टर्स रीजन क्या थे फ्रेंच के फेल के इनिशियली तो इतना पावरफुल था ड्यूप्लेक्स किंग मेकर बना हुआ था लेकिन क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जो के ब्रिटिश की थी उनके पास वेल्थ अच्छा था ट्रेड और नेवल स्ट्रेंथ अच्छे थे नेवी बहुत ही स्ट्रांग थी उन लोगों की फ्रेंच कंपनी हैवीली डिपेंडेंट था फ्रेंच गवर्नर पर अभी आप एस के बैंक में जाइएगा अगर वन ओ है तो क्लर्क क्या कहेगा आपको लंच के बाद आना सरकारी काम सरकारी काम ऐसे ही चलता है हाँ सिमिलर फ्रेंच गवर्नमेंट का भी यही हालत थी ड्यूप्लेक्स कुछ कर पाता है या फिर ड्यूप्लेक्स के बाद के लोग कुछ कुछ कर पाते हर चीज को आपको फ्रांस से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती थी ऐसा थोड़ी ना होगा ब्यूरोक्रेसी में अटका के आप वॉर नहीं लड़ सकते मिलिट्री को फ्री हैंड देना पड़ता है तभी तो जंगे जीती जाती है ना ड्यूप्लेक्स जैसे कि मैंने कहा कि हद से ज्यादा प्रोएक्टिव आदमी था जिसने फाइनेंस कंपनी के फाइनेंस को इम्प्रूव करें इस पर उसने सोचा नहीं ड्यूप्लेक्स महेश मिलिट्री कमांडर नहीं था उसे कंपनी भी चलानी थी फ्रांस का क्या करेगा लेकिन यहां पर रॉबर्ट क्लाइवर लॉरेंस और सर आयरकूट जैसे मिलिटरी जनरल्स यहां पर आते हैं बट बिकॉज ऑफ दैट दे गो इन टू दिस्ट्री अभी यूरोप का तो कोई पवर नहीं रहा <coughs> क्वेश्चन करने के लिए ना पोर्चुगीज है ना डच है ना डेनिश है ना फ्रेंच है अब बाकी हमारे खुद के लोग बचे जो नवाब लोग थे ना उन्हीं को भी तो हटाना था खामोशी से थोड़ी ना गद्दी हाथ में देंगे तो पहले बंगाल से ही वो कैडबरी का चॉकलेट खा के कुछ अच्छा करने से पहले मीठा खाते हैं तो बंगाल से वो शुरुआत करते हैं तो जहांगीर ने फरमान दिया हुआ था ना जहांगीर को पता था ना शाहजहां को ना औरंगजेब को पता था कि ये लोग हालांकि औरंगजेब के साथ एक बार लड़ाई जरूर हुई थी घुटनों पर बिठाया था औरंगजेब ने इंग्लिश वालों को लेकिन जैसा ही गौरंग की मौत हुई ये से जो है दिखाने पर आपको ट्रेड का जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता था उससे एग्जाम किया जाता था तो ये दरअसल दस्तक जो थे, वो ब्रिटिश वालों को ही दिए गए थे लेकिन ये ब्रिटिश के ऑफिशियल कंपनी के जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के वो बहुत ही कनिंग थे तो वहां पर लोकल लोगों को डबल डबल रेट्स पर वो बेचते थे ठीक है यानी कि करप्ट थे पूरी तरीके से तो अब किया जा रहा था कंपनी के एम्प्लॉयज जो थे इस तरीके के दस्तक वगैरह का इस्तेमाल करके तो खामोशी से सभी देखा जा रहा था देखा जा रहा था और जैसा ही औरंगजेब की मौत हुई बंगाल ने ऑटोनोमी अटेंड की हमने देखा ना बंगाल में मुर्शिद कुली खान तो जाहिर सी बात है कि बंगाल ऑटोनॉमी यहाँ पर आता है और आस्था होता क्या है कि जो कोई भी प्रिविलेजेस ब्रिटिश मांग रहा था ना और जो ह्यूज और जितना भी एग्जाम मांग रहा था उसे कट कर दिया गया और कहा गया कि यहाँ पर रहना है तो खामोश टैक्सेस पे करो ये लोग काहे के लिए पे करेंगे ठीक है तो आहिस्ता से उन्होंने प्लान किया हुआ था कि बंगाल के राजा को थ्रो करना है ओवर थ्रो करना है तो कड़ी इसी तरीके से खत्म होती है सिराज उद्दौला नाम इम्पोर्टेंट है बंगाल के देखो ये पूरा रीजन ना बंगाल का था आज का वेस्ट बंगाल नॉर्थन उड़ीसा और बांग्लादेश का रीजन तो वहां पर क्या था सिराजुद्दौला रूल कर रहे थे तो सिराजुद्दौला ने कहा खुली तरीके से पैकअप ब्रिटिश सुनता नहीं है ब्रिटिश कहता है कि हमें ऐसा ही फ्रीडम देना चाहिए तभी हम काम करेंगे वरना हम काम नहीं करेंगे सिराजुद्दौला वॉज क्वाइट श्योर अबाउट दैट काम तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है तुम यहाँ पर ट्रेडर की तरह आए हुए हो लेकिन ट्रेडर की तरह आके कर क्या रहे हो पॉलिटिक्स में हमारे मेडल कर रहे हो तो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक किया हुआ था और कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम्स इंपॉर्टेंट है दो नाम फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में और फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो चेन्नई में बनवाया गया था दोनों ही ब्रिटिश के थे तो फोर्ट विलियम्स पर रेड मारते हैं और बिकॉज ऑफ दैट ओनली बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पर अनाउंस किया जाता है बेटा फोर्ट विलियम्स पर ट्रेड मार के वहां पर कंपनी के ऑफिशियल्स को वो बंदी बनाते हैं तो होता क्या है सपोर्ट उन्हें मद्रास से आता है देखो रॉबर्ट क्लेब मद्रास में था ना वो भागते भागते बंगाल के पास जाता है तो बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट दिसव लीड कर रहा था और हालांकि फ्रेंच का तो सिराजुद्दौला और फ्रेंच अलायस के बीच ये झगड़ा हुआ था बेटा तो रॉबर्ट क्लेव ने अगेन बताया कि ब्रिटेन के जो मिलिट्री जनरल थे वो आम लोग नहीं थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला के कमांडर थे चीफ कमांडर इन चीफ तो उनसे बातचीत हुई थी कि तुम बीच जंग में ना हमारा सपोर्ट चालू करोगे और सिराजुद्दौला को मारने के बाद तुम ही नवाब बनोगे तो सिराजुद्दौला को असैसिनेट किया गया जब जब आपके खुद के लोग ही आपके खिलाफ हो तो क्या करोगे तो मीर जाफर को जैसे किया गया था, उसे पपेट नवाब बनाया गया बंगाल का तो मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिशर्स बिकेम द किंग मेकर आहिस्ते खामोश थोड़ी ना बैठेंगे हमने ही मदद की है जाफर भाई थोड़ा बहुत भेजो ना कुछ ना कुछ हेफ्टी अमाउंट्स मांगने लग गए Heavy indemnification, fines लगाने गए कि तुम्हारी वजह से से ही हमारे इतने मर इतना हुआ, उसका डबल, ट्रिपल दो हमें, ज़्यादा ज़्यादा वो मांगने बेचारा मीर ज़ाफ़र मजबूर था, अपने खुद के सोल्जर्स की सैलरी भी वो नहीं दे सकता था और ब्रिटिशों के क्लचर से वो बाहर आना चाहता था तो आस्ते से उसने रेबल किया ब्रिटिशों को पता चल गया कि ये खामोश बैठने वाला नहीं है तो मीर जाफर को रिप्लेस करके एक नोबल था वहां पर मीर कासिम मीर कासिम को यहाँ पर बिठाया गया ठीक है मीर जाफर खामोश था कुछ भी उसने कहा नहीं मीर खास, देखो एटलीस्ट मीर जाफर अच्छे दिल का था उसने थोड़ा बहुत इंडेमिनिटी फाइंस वगैरह पे किए जैसा ही मीर खासिम आया यू नो ही ओपनली काम्ड फरमान की अब निकल जाओ यहाँ से इंडिया से बनाया तुझे ब्रिटिश वालों ने नवाब और लि, लि, लिटरली ललकार रहा है ब्रिटिश वालों को ही तो दिस पेड वे फॉर अगेन अ बैटिल दैट इज बैटल ऑफ बक्सर 1764 एडी में यहां पर लेकिन यहाँ पर काम क्या करता है मीर कासिम नवाब के अवध के पास जाता है और मुगल एम्पर शाह आलम द थे उन दोनों के पास जाके मदद पूछता है तो ये दोनों भी अपनी मदद भेजते हैं लेकिन इन दोनों का मिलने के बाद भी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा नहीं पाते यहाँ पर रॉबर्ट क्लेव ने यहाँ पर हेक्टर मुनरो जो थे वो कमांडर थे इंपॉर्टेंट है बेटा नाम तो सेवनटीन में बुरी तरीके से देखो एक झटके में तीन नवाबों को हराया ना मीर कासिम तो नवाब था बंगाल का अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम को भी एक झटके में हराया ब्रिटिश वालों ने तो वे दिस दे विदुअली गॉड दिस सुजार और मीर जाफर जो के बाजू में बैठा हुआ था ब्रिटिश वालों को लगा कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति देवता है तो मीर जाफर को वापस से उन्होंने री किया

उसके मरने के बाद उसका बेटा आता है। लेकिन रियल एडमिनिस्ट्रेशन का पावर ब्रिटिशों के हाथ में ही है इम्पोर्टेंट ट्रीटी यहाँ पर साइन की जाती है साइन करवाई हुई थी बेटा नवाब सुझाव और एम्पायर शाह अलम दीवानी राइट यानी कि एक जगह रेवेन्यू कलेक्शन दूसरी जगह लॉ एंड ऑर्डर मेंस का का काम ब्रिटिश वालों के हाथ में दिया गया था बंगाल बिहार और उड़ीसा के सूबाओं का तो आस्ता आज से स्लोली ब्रिटिश अपना डोमिनेंस असर्ट कर रहे थे तो विद दिस व्हाट विदिसपन बंगाल अवध और दिल्ली तीनों पर चढ़ाई की हुई थी लेकिन हिंदुस्तान एक दो हिस्सों से थोड़ी ना बनता है बेटा जब जब जरूरत पड़ती है यहाँ पर करिसमैटिक पीपल की कमी नहीं है तो साउथ में यहाँ पर एक शेर ऑलरेडी घूम रहा था जिसका नाम था, है था हैदर अली हैदर अली सेम उसकी भी कहानी वैसी है जैसी शेरशाह सूरी के साथ थी ही लिटरली रोज फ्रॉम द रैंक्स ऑफ सोल्जर टू बिकमिंग द सुल्तान ऑफ मैसूर डियर राजा थे वहां पर उन्हें डीथ्रोन करके हैदर अली ने मैसूर सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट किया हुआ था अब साउथ में रॉबर्ट क्लेव जैसा पर्सन वो भी थर थरता था, था हैदर अली का नाम सुन के कुछ इस तरीके का रूलर थे हैदर अली तो यहाँ पर चार एंग्लो मैसूर वॉर्स होते हैं ठीक है मैसूर सल्तनत के साथ एंग्लो यानी कि ब्रिटिश वाले तो ब्रिटिश मैसूर वॉर्स अब यही एक पावरफुल पर्सन थे यहाँ पर हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान अगर ये हट जाएंगे तो मुकम्मल हिंदुस्तान इन्हीं का है कोई भी पावरफुल नहीं है मराठा मराठा पावरफुल नाम के लिए थे उनके अंदर ही अंदर लड़ाई झगड़ा फुल था हमने देखा ना कल भी कि हर जमाने में कुछ ना कुछ सिविल वॉर्स वगैरह थे मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा तो यहाँ पर वर्ती कैंडिडेट कौन था ब्रिटिशों को मार भगाने के लिए हैदर अली और टीपू सुल्तान तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है बेटा, 1767 से 1769। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली यहां पर लड़ते हैं बुरी तरीके से हैदर अली ब्रिटिशों को हराते हैं पूरी तरीके से और ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में साइन की जाती है मद्रास को छीन लिया हुआ था हैदर अली ने ब्रिटिश वालों से और एक और चीज हैदर अली के नाम ये है कि बाकी के जितने भी हमने राजा महाराजा नवाबों के देखा है ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था जब ये लोग हारते थे तो जो प्रोक्लेमेशन साइन किया जाता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर साइन करते थे लेकिन आगे नाम बादशाहों का ही था अब अभी देखो हमने देखा रॉबर्ट ने ट्रीटी ऑफ साइन तो आगे कौन था शाह आलम ये तो बादशाह थे मुगल बादशाह हिंदुस्तान के लेकिन यहाँ पर कंपनी है हैदर अली ने कहा कि मैं कंपनी से साइन नहीं करूंगा तुम्हारे असली मास्टर्स ब्रिटिश में कौन है उनका नाम लिखो जॉर्ज द थर्ड कुछ थे उस टाइम फ्रेम में तो पहला और इकलौता ऐसा बादशाह हिंदुस्तान का जिसने ब्रिटिश किंग या फिर किंग क्वीन के नाम से ट्रीटी साइन की हुई थी किसी भी राजा ने नहीं किया किया ठीक है इतना मजबूर उन्होंने हुआ था ब्रिटिश वालों जीते हुए थे उसे एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और खामोश बैठ जाते हैं अब खामोश क्यों बैठेगा ब्रिटिश सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर अगेन आता हैलिटी आता है 1780 से 1784. टीपू सुल्तान भी यंग था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपने डैड के साथ वो जाते थे जंग लड़ने के लिए तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली शहीद हो जाते हैं बेटा जंग में आ, और ये इनकंक्लूसिव था ठीक है बीच में ही इस जंग को छोड़ दिया गया तो ट्रीटी ऑफ मंगलुरु साइन किया गया था तो आयरकोर्ट अभी हमने देखा ना ब्रिटिश का प्रोमिनेंट जनरल तो उसने टीपू को हराया हुआ था पोर्टो नोवा में तो इस तरीके से इनकंक्लूसिव और वो आगे बढ़ने के लिए भी तैयार नहीं थे टीपू ने अच्छा रेजिस्टेंस भी दिया हुआ था तो इनकंक्लूज माना जाता है, है थर्ड एंग्लो अगेन यहाँ पर आ जाता है और टीपू के साथ यहाँ पर झगड़ा होता है तो ट्रीटी ऑफ श्री रंगापट्टनम यहाँ पर पहली बार साइन करते हैं टीपू को बहुत बुरी तरीके से हराया गया था बेटा यहाँ पर ठीक है हुआ क्या के से मराठा और निजाम भी जो थे वो इनके खिलाफ रेबल हो रहे थे रेबल हो रहे थे यानी कि ब्रिटिशों का सपोर्ट वो दे रहे थे हालांकि टीपू ने बहुत ही कोशिश की हुई थी उन लोगों को जागरूक करने के लिए कि हम सभी एक ही आइडेंटिटी के हैं ये अंग्रेज लोग जो है वो यूरोप से आए हुए हैं ठीक है तो किसी ने भी उसकी सुनी नहीं टीपू की तो टीपू को बहुत ही भारी भरकम फाइन पे करना पड़ा हाफ ऑफ इस टेरिटरी जो थी वो ब्रिटिश वालों ने मार के ले गई और बहुत ही हैवी इंडेम्यूटी फाइन पे किया उसने कहा जाता है कि उसके दो माइनर बच्चे भी थे लड़के उन्हें भी हाउस अरेस्ट करने के लिए ब्रिटिश वाले लेके चले गए हुए थे तो दिस इज वॉट दोनों अटैक करते हैं यहाँ पर मद्रास से ब्रिटिश वाले और बीच में टीपो अकेला जाएगा कहाँ तो बुरी तरीके से घायल कर देते हैं उसे अपने खुद के ही कैपिटल सिटी श्री में उसे शहीद किया जाता है टीपू वॉज मार्टेड और वेलसली लॉर्ड वेलसली और टीपू सुल्तान के बीच ये जंग हुई थी और जैसा ही टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो वहां पर कृष्ण रा, राजा वडियार जो के माइनर थे उस बच्चे को तख्त पर बिठाया जाता है एंड अगेन वडियार राजा जो है वडियार जो किंगडम था उसे एस्टैब्लिश किया जाता है यानी कि री इंस्टेट किया जाता है और नाइनटीन तक भी वडियार लोग ही मैसूर को रूल कर रहे थे अभी कोई पावरफुल बचा नहीं था एंग्लो मराठा वॉर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि मराठाओं का भी अगर खेल खत्म हो जाएगा तो अच्छी बात है ना कोई भी पावरफुल पीपल नहीं थे यहां पर भी ठीक है जैसे हमने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पर्सन को ओपनली लरकार रहे थे और बाजीराव जैसे पर्सनालिटीज़ भी यहां पर नहीं थे जो एक बार अगर नजर में रखे तो हरा कर ही छोड़ेंगे तो तीन एंग्लो मैसूर वॉर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं तीन भी बुरी तरीके से मराठाओं की हार होती है बेटा बाजीराव द सेकेंड जो पेशवा थे ब्रिटिशों के बीच और उनके बीच ट्रीटी ट्रीटी ऑफ बेसिन की खासियत यह है कि सब्सिडरी अलायंस जो है ना वो मराठा यही पर एक्सेप्ट करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वॉट इज सब्सिडरी अलायंस ठीक है वर्चुअली पावरफुलर ब्रिटिशों के हाथ में चला जाता है

सिख किंगडम भी किया गया था अः यहाँ पर राजा रंजीत सिंह ने ठीक है 1799 एडी में से डाउनफॉल हो रहा था ना बेटा और मुगल्स का तो जैसा हैदराबाद बंगाल अवध अवधेब्लिश हो रहा था उसी तरीके से सिख किंगडम भी किया हुआ था सिक्स भी पावरफुल पीपल थे तो इतना रेसिस्टेंस उन्होंने तो वहां पर दिया नहीं ब्रिटिश वाले दो सिटिंग्स में ही सिखों का खात्मा कर चुके हुए थे तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एटीन फोर्टी ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया गया था 1846 में जहां पर लाहौर की आर्मी के साइज कंट्रोल करने की बात की गई थी और 36 फील्ड गन्स जो बड़े बड़े मिले हुए थे उसे कन्फिक्सकेट किया गया था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में भी सिखों की हार हो जाती है बेटा और अल्टीमेटली पंजाब का जो पूरा रीजन है ना पंजाब का किंगडम वो ब्रिटिश वाले ब्रिटिश राज में एनेक्स कर लेते हैं सो विद दिस देर आर नो पावरफुल किंगडम्स पहले देखो पूरे यूरोपियन पार्स के साथ लड़ाई झगड़ा करके वहां पर अपना दबदबा कायम किया और बाद में हमारे खुद के जो लोकल नवाब राजा सुल्तान लोग थे उन्हें हरा कर भी दे बिकेम पॉलिटिकल मास्टर्स ऑफ इंडिया ठीक है सो लेट अस नाउ गो अहेड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या था इसे लॉर्ड वेलसली ने जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आए हुए थे उन्होंने इस इस इस्तेमाल में किया गया था क्या था अलाइंग इंडियन स्टेट मान ले अभी हमने देखा ना एटीन में ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन की गई थी ठीक है बाजीराव द ब्रिटिशों के बीच यानी कि वहां पर बाजीराव राउ द सेकंड मजबूर थे उन्हें खुद डर था कि सिंधिया होलकर वगैरह उनके खिलाफ ना हो जाए पेशवा का जो पोजीशन है उनसे दूर ना हो जाए तो इस तरीके से जो कोई भी इंडियन राजा नवाब मजबूर था उसके साथ ट्रिटी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का साइन किया जाता था किसी भी ट्रीटी में रखे तो दरअसल ये सिस्टम क्या था परमानेंट स्टेशनिंग की जाती थी ब्रिटिश फोर्स की लेकिन उसका मेंटेनेंस वगैरह वो, वो राजा ही देगा अभी मराठा वालों ने सब्सिडरी अलायंस अगर साइन किया तो ब्रिटिश वाले क्या करेंगे दस हजार पंद्रह हजार अपने सोल्जर्स को ना मराठा आर्मी में मेंटेन करेंगे और उसका खर्चा पूरा मराठा राजा ही उठाएगा यानी कि किसी दूसरे के खर्चे पर हम अपनी आर्मी पाल रहे हैं ना पोस्टिंग ऑफ अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन कोर्ट एक जिला कलेक्टर या कह लें या फिर एक डिप्लोमेट या फिर जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर है उसी तरीके से एक ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफिसर वहां पर रहता था कोर्ट में बिना उसकी इजाजत के वो लोकल राजा नवाब कुछ भी नहीं कर सकते थे हर चीज में वो अपना डिसीजन बताता था और इंडियन रूलर कोई भी दूसरे यूरोपियन को हायर नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो कोई भी है वो परमिशन देगा तभी लेंगे और इंडियन रूलर नेगोशिएट भी नहीं कर सकता किसी दूसरे अपने खुद के किंगडम्स के साथ भी उसी के लिए भी आपको गवर्नर जनरल का परमिशन लेना पड़ेगा और आउट ऑफ दिस ये क्या करते थे ब्रिटिश वाले जब कभी भी आपकी आर्मी आप पर टूट पड़ेगी यानी कि आपका दुश्मन टूट पड़ेगा तो हम आपका मदद करेंगे तो वही तो था ना ट्रीटी ऑफ बेसेंस बाजी राउत ने किस लिए साइन किया कि कहीं अपने ही लोग आकर अटैक ना करें ब्रिटिश वाले मुझे बचाएंगे और इन रिटर्न कहा जाता था कि हम इंटरनल पॉलिटिक्स में मेडल नहीं करेंगे जो कि कभी हुआ नहीं कामोज छोड़ी ना ये लोग बैठेंगे जब बिरयानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो खा के ही छोड़ेंगे ना तो सात साल के लॉर्ड वेलेसली के कार्यकाल में सौ से भी ज्यादा छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स को मजबूरन साइन करवाना पड़ा सब्सिडरी अलायंस सिस्टम नाम के राजे रजवाड़े थे काम पूरा ब्रिटिश करता था सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी पॉलिसी ऑफ पैर सी लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग्स जो के आए हुए थे 1818 से 1823 के टाइम फ्रेम में तो उन्होंने दिया नाम से ही पता चलता है पैरामाउंट यानी कि हम सुप्रीम हैं जो कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से अब देखो पहले तो सब्सिडरी अलायंस है हम साथ है भाई तुम्हारे लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ओपनली कहा जा रहा है कि हम तुम्हारे सर पर हैं, पैरामोटी है हमारे पास अगर हमारे साथ नहीं हो, होनेक्स कर देंगे ठीक you, uh, be है? तो सिंध और पंजाब को इसी तरीके से करके पॉलिसी के तहत ही अनेक्स किया गया था और आगे आने वाले जितने भी ब्रिटिश पॉलिसीज थे वो सभी इसी पॉलिसी से इन्फ्लुएंस हुए थे इसके बाद ब्रिटिश वाले पूरी तरीके से दबदबा कायम करते हैं लॉर्ड डलहौसी ये बंदा आज तक समझ में नहीं आया कि अच्छा था या बुरा था इसे किस तरीके से देखें मैं बताऊंगा क्योंकि कई सोशल रिफॉर्म्स भी इसने इंडिया में लाए हुए थे तो लॉर्ड डलहौसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्टर लाया हुआ था एटीन फोर्टी के बाद फादर ऑफ एनेक्सेशन पॉलिसी भी नहीं कहा जाता था सिंपल सा ट्रिक था कोई भी अगर राजा नवाब सुल्तान बिना मर्द के यानी कि बिना मेल चाइल्ड ठीक है वारिस अगर उसका नहीं है तो उसका किंगडम लैप्स हो जाएगा और कंपनी की टेरिटरी बन जाएगा यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा अब जाहिर सी बात है कि कई ऐसे राजा नवाब थे जिनका खुद का बायोलॉजिकल सन नहीं था वो अडॉप्ट करते थे बेस्ट एग्जाम्पल झांसी की रानी लक्ष्मी बाई द रीजन वाई वी फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश वॉज अगेंस्ट दिस डॉप ऑफ लेप्स ओनली उन्होंने अपने एक बच्चे को पाल लिया हुआ था वो चाहती थी कि मेरे बाद गद्दी पर जो है ना वो मेरा बेटा बैठे लेकिन लॉर्ड डलहौसी ने कहा कि ये हो नहीं सकता रूल सभी के लिए रूल है आपका बायोलॉजिकल सन वो नहीं है तो इसी तरीके से सतारा 1848 संभालपुर 1850 उदयपुर 1852 नागपुर 1853 झांसी 54 और अवध 1856 को डॉक्यूमेंट ऑफ लिप्स के तहत अनेक्स किया गया था देखो कितने शातिर ये लोग होंगे एग्जाम में ये ईयर्स के साथ पूछा गया बेटा ठीक है सबसे पहला डॉक्ट्रेन ऑफ पॉलिसी से अनेक्स करने वाला सतारा था और आखिरी झांसी <coughs> रेवेन्यू सेटलमेंट्स क्या क्या थे पैसा तो जरूरी हाँ बेटा सर नागपुर भी था शायद मैंने पढ़ा हाँ ना, था नागपुर है ना बेटा 1853 सर वो लास्ट में था ना नागपुर लास्ट 1853. में था रफली उसी टाइम फ्रेम के चलो 1853 फिफ्टी <स्थिण> तो, ये उदयपुर राजस्थान वाली है क्या हाँ उदयपुर और का ये कहा है पर उदयपुर एक और है ना छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के रीजन में भी उदयपुर है उदयपुर है उदयपुर पर तो मैंने ये एक बुक है सर उसमें ये उदयपुर छत्तीसगढ़ लिखा था कल पढ़ा था एक बार वेरीफाई करो ठीक है तो रेवेन्यू सेटलमेंट्स का सिस्टम भी जरूरी है हमने मराठों में क्या पढ़ा हुआ था प्लंडर और लूट से जो कुछ भी आता था उस पर एडमिनिस्ट्रेशन सस्टेन कर ही नहीं सकते फॉर्मल रेवेन्यू सिस्टम को बनाना पड़ता है रेगुलर इनकम आपको यहीं से आती है तो से, से ब्रिटिश वाले प्लैंडरिंग भी चालू करते हैं बेटा तो तीन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट्स पर लाए हुए थे पहला था जमींदारी दूसरा था और तीसरा था महलवारी सिस्टम ठीक है रैतवारी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन यहां पर हमें देखने को मिलता है तो जमींदारी सिस्टम क्या था 1793 एडी में यहाँ पर लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवाल इसमें यह बिहार बंगाल और उड़ीसा के रीजन में था जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहते थे ब्रिटिश वाले करते क्या थे यहाँ पर जो पावरफुल जमींदार थे ना उन्हें जगहों को दे देते ठीक है जागीरदारों की तरह तो ये जमींदारों से फिक्स्ड रेवेन्यू लिया करते थे ब्रिटिश वाले मान लेते हैं थर्टी परसेंट लेकिन ये जमींदार कितना वसूल करेंगे पेसेंट से वो नहीं बताया गया यानी कि ओपन ऑपरेशन ही है ना वो अब जमींदार क्या करेगा तीस रुपए आपको देगा ठीक है सौ रुपए कलेक्ट करके तीस रुपए आपको देगा सत्तर रुपए अपने पास रखेगा और कई बार क्या करेगा कि और पैसे कम है मुझे और तीस रुपए पूरा फुलफिल कर लेगा निचोड़ेगा पूरी तरीके से तो वन ऑफ द मोस्ट सोशल इवल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था दूसरा था रैतवारी सिस्टम साउथ इंडिया में यहाँ पर बॉम्बे और मद्रास के प्रोविंस में रैतवारी 1792 नाइनटी इसे लाने वाले सर थॉमस मुंड्रो थे नाम इम्पोर्टेंट है अभी आ, देखो यहाँ पर जमींदार थे मिडिलमैन लेकिन यहाँ पर मिडिलमैन नहीं डायरेक्ट फार्मर से ही लिया करते थे तुम जमींदार से तीस रुपए लो या फिर फार्मर से एक सौ रुपए कलेक्ट करो क्या फर्क पड़ता है फार्मर की जेब से तो सौ रुपए जा ही रहे हैं ये खेल खेला जाता था रेतवारी सिस्टम में और तीसरा आता है महलवारी सिस्टम पंजाब और यूपी के रीजन में ठीक है यहाँ पर सिंध पंजाब बलूचिस्तान यूपी के रीजन में तो इसे लाने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक थे यहाँ पर हुआ क्या कि ना मिडिल मैन थे जमींदार और ना डायरेक्ट प्रेजेंट्स यहाँ पर जगहों को महल्स में बांटा जाता था आज का एग्जाम्पल दूं तो आज के तहसील्स कैसा है बेटा तहसीलदार होता है ना हेड तो वहां पर महल्स में डिवाइड किया जाता था गाँव को तो गांवों की कमिटी होती थी उस कमिटी पर जिम्मेदारी थी कि वो पैसा वसूल करके ब्रिटिश ब्रिटिश को ठीक है तो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट रेवेन्यू अंडर राज कोई तो भी फिक्स अमाउंट नहीं है रातों रात अमाउंट को चेंज कर दिया जाता था हम आ, क्या कहते हैं उसको लगान से सिनेमा में आपने देखा होगा ठीक है हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा ऐसा कुछ भी नहीं कर देगा तीन गुना ज्यादा लगान लेगा एडमिनिस्ट्रेशन क्या था ब्रिटिश ओवरव्यू आहिस्था से यस yes. सर इन्हीं सिस्टम्स को वो जब महात्मा गांधी अपना रि, रिफॉर्म स्टार्ट किए थे इन्हीं सिस्टम को वो किए थे क्या जैसे ये परम ये वाला जमींदारी सिस्टम हाँ यस सर इन्हीं सबको किए थे महात्मा गांधी ने किस सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश की दैट वाज तीन कठिया सिस्टम इंडिगो रिवोल्ट आप दूसरा चीज यहाँ पर ला रहे हैं, न Okay. ये रेवेन्यू सेटलमेंट के सिस्टम्स कुछ और हैं गांधी जी ने आवाज जो उठाई हुई थी वो कुछ और थी आई डिस्कस गांधी के बारे में ठीक है देर विल सी तो ब्रिटिश ओवरव्यू देख लेते हैं इनिशियली आए हुए थे ट्रेडर की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग फर्म ही तो था बेटा लेकिन आस्था से वो क्या कर रहे थे अपना ड्यूएल गवर्नमेंट जो था ब्रिटिश कई पर बैठ के यहाँ पे रूल कर रहे थे ठीक है तो आस्था से उन्होंने अपने सर्वेंट्स को लोगों के बीच भेजा ठीक है जो राजे रजवाड़े नवाब लोग थे उन सभी के साथ कंटिन्यूस वॉर्स वगैरह करके अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम उन्होंने यहाँ पर लहराया लेकिन हुआ क्या कि आस्था से इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस मिसमैनेजमेंट के चार्जेस लगने लगे रॉबर्ट क्लाइव का एग्जाम्पल ले लो जा, जाके सुसाइड कर लिया उसने इतना दौलत यहां से लूट के गया हुआ था तो ब्रिटिशों को लगा कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा कंपनी का तो अल्टीमेटली वो आस्था से कंपनी रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं तो यहां से दरअसल हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की शुरुआत होती है बेटा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बिकम्स द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट दैट वॉज पास्ट मैं इनके बारे में इन डिटेल डिस्कशन आपको पॉलिटी में करूंगा यहाँ पर नहीं करूंगा क्यों क्योंकि वहां पर हम देखेंगे अडमे किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का बेसिस बना हुआ था ठीक है यहाँ पर ज्यादातर आपको आ, किस 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 के बारे में पूछेगा आपको यहाँ पर पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरन हेस्टिंग्स बन के आए हुए थे ठीक है और आहिस्था से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो नहीं बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने की कोशिश की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट आता है उसके बाद उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीन आता है चार्टर ईस्ट इंडिया को रिफॉर्म करने के लिए उनमें लाने के लिए, तो यहाँ पर अगेन आपको हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू मैं अगेन आपको बता रहा हूँ पॉलिटी में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो 1833 में चार्टर एक्ट पास किया जाता है विलियम बेंटिक जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं अब देखो आहिस्था से वो एक्सपेंड कर रहे हैं खुद को और पहली बार भी सिविल सर्विसेज में एंट्री दी जाएगी थियोरिटिकल बेसिस पर इसी चार्टर एक्ट एटीन में कहा गया था ठीक है तो कंपनी की मोनोपोली एंड की गई थी यहाँ पर और बिजनेस वाइंड अप करो अब पूरी तरीके से ये आहिस्था से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन रहा था तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 फिफ्टी यहाँ पर लाया जाता है आहिस्था से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जाती है और अल्टीमेटली यहाँ पर एक्ट ऑफ एटीन बिकॉज रिवोल्ट ऑफ रिवल्टिफ्टी हुआ था ना तो ब्रिटिश वालों को पता चल गया कि अब कंपनी से कुछ होगा नहीं डायरेक्टली हमें ही जाके राज करना पड़ेगा हमें ही अपने ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को भेज के मुकम्मल हिंदुस्तान हासिल करना पड़ेगा तो लॉर्ड कैनिंग बिकम्स फर्स्ट गवर्नर जनरल का गया अब वाइस रॉय यहां पर आते हैं ठीक है तो उसके साथ कई इंपॉर्टेंट सी चीजें भी यहाँ पर बुलाए हुए थे आहिस्था से इंडियन काउंसिल्स एक्ट एटीन तो यहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम खुलाया गया था अभी मोदी जी अलग अलग मंत्रियों को काम देते हैं ना तो पहली बार यहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था और इमरजेंसी के टाइम फ्रेम में वाइस रॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया गया था इस तरीके से कई चीजें हुई थी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 नाइनटी वहां था पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बजट डिस्कस करने का यहाँ पर प्रावधान दिया गया थाने क्या ऐसा से वो इंडिया को भी इंडियंस को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक है और इंडियन काउंसिल्स एक्ट नाइनटीन जिसे हम मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं तो यहाँ पर पहली बार हुआ क्या था मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था ठीक है यानी कि मुसलमान लोग ही चंद स्पेसिफिक जगह पर लड़ाई करेंगे इलेक्शन में और मुसलमान जाके मुसलमान को ही वोट करेगा सेपरेट इलेक्टोरेट तो पहली बार कम्युनलाइजेशन हमें देखने को मिलता है बेटा और यहाँ पर क्या हुआ था एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि वॉइस रॉय का था उसे भी एक्सपेंड किया गया था इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया था और पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी लॉ मेंबर बने हुए थे ठीक है यानी कि पहली बार हमारा इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बना हुआ था

डारी को यहां पर डू अवे किया जाता है ठीक है सेंटर में लेकिन स्टेट्स में कंटिन्यू होते हैं पहली बार एक फेडरलिस्टिक टच देने की कोशिश की गई थी लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ नहीं ठीक है और बाइक अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया था और फर्दर जो यू नो इवन जो दलित डिप्रेस्ड लोग थे उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे, देने की यहाँ पर ऐलान किया गया था और अल्टीमेटली आखिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास किया जाते जिसके तहत ये देखो पैरामोट सी क्लेम की हुई थी ना ब्रिटिश वालों ने तो इट एक्चुअली तो विद दिस क्लियरली गवर्नमेंट विद दिस ब्रिटिश क्लियरली सेस कि अब हमारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं है अगेन मैं बताऊं हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया पॉलिटी में वी विल डिस्कस अगेन रिगार्डिंग दिस ब्रिटिश का सोशल और कल्चरल पॉलिसी कैसा था देखिए अब जाहिर सी बात थी कि ये यह लोग यहाँ पर आए हुए थे रिलाय के बाद रिलाय का मतलब ही क्या था रीबर्थ था मरने के बाद का छोड़ो पढ़ने पहले मरने के पहले का सोचो ना मरने के बाद तो हमें क्या पता तो मरने के पहले जो चीजें हैं वो के? वो तो कर दें रिलीजन का डोमिनेशन कम कर दिया डिस्कवरीज uh, हो रहे थे इन्वेंशन हो रहे थे सभी चीजें अच्छी हो रही थी यहाँ पर तो क्यों ना हम सोशल इविल्स को भी मिटाएं तो इनिशियली ब्रिटिश वाले एक अच्छे दिल से ही आए हुए थे सो so, सती की प्रैक्टिस जो है वो लॉर्ड बेंटिक हटा देता है 1829 में ठीक है राजा राम मोहन राय जैसे पर्सनालिटी को परसीव करने के बाद ये लोग भी इंसान ही थे ना देखो आए थे ब्रिटिश रूल करने प्लंडर करने लेकिन इंसानों की जान यहां पर जा रही है तो बंगाल एकलौते रीजन में एटीन से लेकर एटीन के बीच तीन साल में आठ औरतों की जान ली गई थी सती प्रथा के नाम पर उस बच्ची को पसंद भी हो या नहीं भी हो उसे खींच के बांध के बिठा दिया जाता था उसकी पति की चिता पर यह कहा जाता है कि एक बार विलियम बेंटिक देखा हुआ था पूरी रात वो सोया नहीं ठीक है तो राजा राम मोहन पर्सनालिटी के साथ लिटरली उसने आउटला कर दिया स्ट्रिक्ट रेगुलेशन पास किए कि कोई भी ये करेगा उसका खात्मा होगा बेंटिक और हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग भी आते हैं आगे टाइम फ्रेम में तो इन्फेंटिसाइड छोटी छोटी बच्चियों को मार देते थे बच्ची जो है ना वो इतना प्रिफर नहीं करते थे तो जाहिर सी बात है कि उसे भी हार्डली रेगुलेशन लाके प्रेस करने की कोशिश की गई थी एक ट्राइबल ट्राइबल कम्युनिटी थी गॉन्ड्स जिन्हें कहा जाता है ठीक है प्रीमिटिव ट्राइब्स थे आज भी आपको तेलंगाना वगैरह के रीजन में दिखेंगे लेकिन ये ह्यूमन सेक्रीफाइस का अभी नहीं चल रहा बेटा उस टाइम फ्रेम में चलता था तो लॉर्ड हार्डिंग बहुत ही सीरियस था इससे लेकर तो उसने ह्यूमन सेक्रीफाइस के प्रैक्टिस को भी रुकाया हुआ था इन ट्राइबल पीपलों में और लॉर्ड डलहोसी ने ड्राफ्ट किया हुआ था और लॉर्ड कैनिंग ने विडो रीमैरिजेस एक्ट को पास करवाया 1856 में जी की मदद से. तो दिस बून में तो इन काशी एंड मथुरा तो उन लोगों को नई जिंदगी मिली ये प्रोमिनेट पर्सनालिटीज थे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और महान लोगों के बारे में कि वो लोगों में गए उन्होंने बताया के ना ही हमारे वेदाओं में, ना ही हमारे में किसी भी मजहब की किताबों में इस तरीके के सोशल इविल्स हैं। आप खुद ही आप लोगों के बीच ये बना रही तो, लेकिन बाद, बाद ब्रिटिशों को पता चल गया कि हम जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान इसे उनके मजहब के खिलाफ कुछ काम कर रहे थे लुकिंग कोई आके सती प्रथा इतने सालों से चल रही थी रुका दिया अब देखो आम जो इंटेलेक्चुअल था राजा राम मोहन राय के सर का वो समझ सकता था लेकिन आम इंसान लोकल जो मास था जो अनपढ़ था वो कहाँ से समझेगा चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो तो आस्था ब्रिटिश वालों को पता चल गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया जो बड़े बड़े इस तरीके के हार्डशिप्स थे बस उन्हें ही खत्म करने की कोशिश की बाकी तुम जो कुछ भी कर लो कास्टिज्म हो जो कुछ भी हो आ, छोड़ दिया गया ठीक है मॉडर्न एजुकेशन का स्प्रेड भी यहाँ पर हमें ब्रिटिशों से ही देखने को मिलता है आज जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ना वो दरअसल ब्रिटिश सिस्टम ही है एजुकेशन का हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था हिंदू जो थे वो संस्कृत विद्यापीठों में जाके वेद उपनिषद वगैरह पढ़ते थे मुसलमान मदरसों में जाकर हदीस कुरान ऐसी चीजें सीखते थे लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं इकोनॉमी पढ़ रहे हैं जोग्राफी फिजिक्स uh, बायोलॉजी ये सभी सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं बेटा तो इधर असल ब्रिटिश वालों ने ही लाए हुए थे तो हिस्टिंग्स ने क्या किया 1781 में कलकत्ता में कलकत्ता एक मदरसा उसने एस्टेब्लिश किया हुआ था जहां पर मुसलमान लॉ शरीयत पढ़ाई जाती थी और 1791 में जोनाथन डंकन संस्कृत कॉलेज ओपन करता है वाराणसी में अब आपको लग रहा होगा कि सर कितने बड़े दिल के लोग हैं हमें रूल जरूर कर रहे थे लेकिन हमारे लिए मदरसा और संस्कृत कॉलेज दिया ऐसा नहीं बेटा वो यहाँ पर अपने ऑफिसर्स को भेजते थे पढ़ने के लिए कलकत्ता के मदरसे में जाकर ब्रिटिश ऑफिसर्स पढ़ते थे कि मुसलमान तरीका क्या चलता है उनको कैसे और अच्छा सा रूल कर सके और संस्कृत कॉलेज वाराणसी में जाके जानते थे कि हिंदू लॉस क्या है किस तरीके से इन लोगों को गवर्न किया जा सकता है यानी कि यहाँ पर भी इन्हीं का ही पॉजिटिव पॉइंट है चंद इम्पॉर्टेंट से वर्ड्स आपको याद रखने हैं एजुकेशनल डिस्पैच जिसे वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है तो लॉर्ड डलहोसी के टाइम फ्रेम में एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी आते हैं चार्ल्स वुड पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो चार्ल्स वुड ने पहली बार अपने पेपर्स दिए हुए थे रिसर्च करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर तो पहली बार यहां पर उन्होंने कहा कि एजुकेशन डेवलप करना ये ब्रिटिश वाले ही अपने हाथ में ले तो अच्छा होगा ठीक है हम किसी और के हाथ में नहीं दे सकते हमें चाहिए कि जो हमने यूरोप में लिया वो इंग्लिश वो इंडियंस को भी हम दे तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी कि क्या आपने देखा होगा ना कि सिनेमाओं में यहां से शराब पोर करते हैं तो ग्लासेस में से गिर के बहुत सारे ग्लासेस होते हैं ऐसा यू हैव सीन कि एक ग्लास से पोर होकर पूरा ग्लासेस फिल हो जाते हैं वाइन से दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन कि ऊपर वालों को आप एजुकेट करो वो अपने आप जाके नीचे वालों को एजुकेट करेंगे तो पहली बार ये कॉन्सेप्ट लाया गया था तो उन्हीं के चार्ल चार्ल्स वुड के इस डिस्पैच के बेसिस पर ही ने हर प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया हुआ था अफिलियटिंग यूनिवर्सिटीज जो वो कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास में भी एस्टेब्लिश किए हुए थे यानी कि अब पूरी तरीके से मॉडर्न एजुकेशन भी मिल रहा था इंडियन प्रेस का डेवलपमेंट एक बार देख लेते हैं क्योंकि प्रेस का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है किसी भी कंट्री के सस्टेन होने के लिए बेटा क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन ट्रू और करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा लोगों में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा बताइए दिल्ली में क्या हो रहा है हमें न्यूज चैनल से ही तो पता चलता है ना तो उस जमाने में जितने भी रेवोल्यूशन आ रहे थे वो सभी पेपर से ही आ रहे थे

चंद इम्पोर्टेंट से लेजिसलेशन जो ब्रिटिश वालों ने पास किए हुए थे प्रेस को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि प्रेस को कंट्रोल करो तो ऑटोमेटिकली लोग भी कंट्रोल हो गए महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक इन सभी ने लोगों में किस तरीके से रेवोल्यूशन लाया बेटा वो चलो मानो गांधी का तो केस अलग था गांधी जी जाते थे लोगों में बाकी के इवन सिंस दादा भाई नौरो क्या करते थे लोग प्रेस का ही तो इस्तेमाल करते थे पब्लिकेशन करते थे किताबें लिखते थे ब्रेन ड्रेन थियोरी किसने लिखी दादा भाई नौरोजी ने यानी कि वो किताब के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिटिश हमें लूट रहे हैं जो सोने की चिड़िया थी वो अब जू में रखी गई है और सोना उस पर कहीं पर भी बचा नहीं है हड्डियों का ढांचा भी नहीं है दिस इज वॉट यूज सीन तो पहली बार सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट से देखो सिंस एटीन हंड्रेड एडी लोग हम पर प्रेस को भी सेंसर करने की कोशिश कर रहे थे तो लॉर्ड वेलसली करता क्या था प्री सेंसरशिप लगाता था यानी कि रिस्ट्रिक्शन पब्लिकेशन के ऊपर ऐसा वैसा तुम नहीं लिखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नेक्स्ट आता है लाइसेंसिंग रेगुलेशन रेगुलेशन एक्ट 1823 का जिसे हम एडम्स भी कहते हैं बच्चों पर प्रेस एस्टेब्लिश करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था जो बहुत ही मुश्किल से मिलता था ठीक है हर किसी को ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देता था 1835 में लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस चार्ल्स मिटकेफ नाम का यहाँ पर एक गवर्नर जनरल देखने को मिलता है वो बेचारा समझता है कि ऐसा नहीं करते हम भी इंसान ही है ना

सरकार के खिलाफ कोई भी बात करता था उसे सेडेशन का चार्ज लगा के जेल में धकेल देते थे बेस्ट एग्जाम्पल बाला गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी भी इवन रिसेंट टाइम तक भी सरकार इसका मदद इस्तेमाल कर रही थी कन्हैया कुमार पर जो केस लगाया गया था वो सेडेशन पर ही था लेकिन कपल ऑफ मंथ्स बैक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाल्ट लगा दिया गया उन्होंने कहा कि जब तक हम रिव्यू नहीं करेंगे पार्लियामेंट इस पर कुछ ठोस काम नहीं करेगा इसका इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो ड्रैकोनियन लॉ इसे कहा जाता है 1878, ये हम जानते हैं। इसे कहा जाता है बुरी तरीके से लॉर्ड लिट्टन लगाए हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी लेकिन बाद में लिटन थोड़ा बहुत पीछे भी चले जाता है और थोड़ा बहुत लूज भी कर देता है 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट स्पेसिफिकली यहाँ पर बाला गंगाधर तिलक लाल बाल पाल जो थे ना वो हाईलाइट हो रहे थे लोगों में मासस में जा रहे थे तो आस्था आसा एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो लोगों को वायलेंट एक्टिविटीज करने के लिए पिकेटिंग करो धरना करो स्ट्राइक करो ये न्यूज़पेपर में दे रहे थे वो लोग तो जाहिर सी बात थी कि उन्हें कंट्रोल करना था 1910 में क्या होता है इंडियन प्रेस एक्ट पास किया जाता है जिसकी मदद मतलब से सिक्योरिटी फीस बहुत ही ज्यादा डिमांड की जाती थी पब्लिकेशन करने के लिए और ब्रिटिश राज जब चाहे तब किसी भी पब्लिकेशन को डी रजिस्टर कर सकता था उसे वजह देने की भी जरूरत नहीं थी और अल्टीमेटली 1931 में गांधी जी ने जब दंडी मार्च शुरू किया हुआ था तो तब नेशनल लेवल नहीं इंटरनेशनल लेवल का प्रेस भी उसे कवर करता है टाइम्स की मैगजीन पर भी गांधी जी बाद में know दिखते हैं तो जाहिर सी बात थी कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को पहली बार दंडी मार्च ने ही दिखाया हुआ था तो उसे भी सप्रेस करने की कोशिश ब्रिटिश वालों ने की हुई थी बाद में इंडिपेंडेंस के टाइम में इन सभी रेगुलेशंस को मिटा दिया गया था लेकिन जो कि इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन चल रहा था लोग अगेन वहां पर भी कम्युनल हेटरेट फैला रहे थे तो पंडित नेहरू जी को लगा कि थोड़े दिन के लिए इसी तरीके से मेंटेन करते हैं हाउ इज द जोश मैंने आपको क्लास के पहले ही कहा हुआ था कि आज की Hi, क्लास बोरिंग होगी लेकिन, लेकिन, लेकिन क्लास इम्पोर्टेंट हाँ लेकिन आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई चीजें एग्जाम में हमें देखने को मिलती है यस सर सर आई हैव अ क्वेश्चन हां बोलो सर फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं सीडीएस में या फिर थ्योरेटिकल दोनों आते हैं अभी हम देखेंगे ठीक है प्रीवियस इयर्स में आपको बताऊंगा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम असल वन मोर थिंग बोलो बेटा सर कह रहे थे जैसे आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एफकेट तो क्या सीडीएस और एफकेट के सिलेबस में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं एफकेट में ये क्वेश्चन आते ही नहीं है अफकेट वाले इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बेटा मैंने आपको परसों भी बताया हुआ था आपको अफकैट में हिस्ट्री में बहुत ही सिल्ली क्वेश्चन आते हैं इतने टफ आते ही नहीं है अफकैट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज अगर आपको देना हो तो स्टैटिक जीके को ही दो जो कि क्लासेस ऑलरेडी दिव्याशु सर ले रहे हैं ठीक है इतना इनडेप्थ अफकेट में नहीं आता टाइम वेस्ट मत करो ये सीडीएस वालों के लिए एडवांस्ड क्वेश्चन है अफकोर्स एनडीए वालों को भी इसमें टॉपिक्स कवर हो जाएंगे

कंग्रेचुलेशन पढ़ के आए हुए हो तो रॉबर्ट फॉर्च्यून इज द राइट आंसर कहा जाता है कि टी मेकिंग जो है ना वो चाइना से आया हुआ था लेकिन जब वो ओपियम वॉर चल रहा था एंग्लो चाइना का तो चाइना वालों ने पूरी तरीके से चाय पत्ती बंद करवा दी हुई थी तो वहां पर पहली बार असम में यही स्कॉटिश हॉर्टिकल्चरिस्ट रॉबर्ट फॉर्च्यून जो है वो चाइना के प्लांटेशन ला के यहाँ पर असम में वो उगाता है और असम आज भी आप सभी को भी पता है चाय पत्ती के लिए फेमस है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने स्टैब्लिश की हुई थी

बंगाल गजेट इक्कीस बंगाल गजेट <laughs> सही बात है हम लोग हिंदू पढ़ते हैं तो हिंदू कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस होता तो वो लिखते ये सीडीएस के बच्चों का अरे सर हाँ इसमें मेरी क्या, क्या गलती है <laughs> कल भी जब आप सभी चले गए ना लास्ट में मुझे बच्चा पूछ रहा है सर हाउ इज द जोश अरे मैं क्या जोश बताऊ तुझे से क्या दुश्मनी है लोगों मेरा जोश पूछ रहा है खैर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटीन एटी आर करेक्ट द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड सुजारनेटी और सोवरनेटी एब्सोल्यूटली द ब्रिटिश पार्लियामेंट इलेक्टेड फर्स्ट स्टैट्यूट ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर डायरेक्ट रूल वही कह रहा है was... क्या बेटा All the above, तीनों तीनों के हैं। वही था बैठकर ईस्ट इंडिया की मदद से इंडिया को रूल कर रहे थे हा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या इसको कैंसिल करके डायरेक्टली इंडिया पर करना चालू कर प्योर इंपीरियल रूल <laughs> इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ठीक है इनकरेक्ट पूछ so, रहा है इनकरेक्ट जोश में आके गलत मत दे देना डिस्पैच है यूनिवर्सिटी कलकत्ता बंगाल मदरसा तो स्टैब्लिश हुआ था ठीक है सो so, दो तो करेक्ट है गलत एक ही हो सकता है यहाँ पर में क्या okay, कहा कहारिया में जो प्राइमरी एजुकेशन है ना वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में करो अगर कोई आंध्र के रीजन से तेलुगु रीजन से आ रहा है तो उसे तेलुगु में पढ़ाओ कोई तमिल में आ रहा है तो तमिल में पढ़ाओ लेकिन जो हाईर एजुकेशन है ठीक है हाई लेवल का कॉलेज डिग्री ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी तो वहां पर आप इंग्लिश का इस्तेमाल करो ठीक है तो ये रूरल एरिया पर इंग्लिश नहीं वर्नाकुलर लैंग्वेज था बेटा रिमेंबर ये एग्जाम में कई बार आ चुका हुआ है वुड्स डिस्पैच इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वही था ना बेस हमारे इंडियन एजुकेशन का भगवत गीता को पहली बार इंग्लिश में किसने अनुवाद किया जेम्स जेम्स प्रिंसेप वेरी गुड बेटा वेरी गुड

James और यूट्यूब के बच्चे भी सेशन को लाइक करो जिंदा हो क्या हरकत करो मैंने ऑलरेडी बताया इट वाज चार्टर एक्ट 1833 थ्री पहली बार कहा गया कि चलो इंडियंस को दे देते हैं लेकिन दिया नहीं गया ठीक है थियोरेटिकल बात की गई थी

स था। था, करने वाला सब्सिडरीय लॉर्ड डेलहाउसी कौन था लॉर्ड डेलहाउसी था डॉक्टर एलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी होती है यहाँ पर 1883 एडी में मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में

सूरत, भी सूरत, भी सूरत भी है। और ये टाइम फ्रेम भी याद रख लो कौन पहले है ठीक है तो बी इज द राइट आंसर सूरत, सूरत। मद्रास में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटलमेंट था उसका नाम क्या था दो नाम याद रखो बेटा एक मद्रास का एक कोलकाता का मद्रास में हाँ मुस्कान बोलो सर आपने जो पहले क्वेश्चन दिखाया था एक बार वो दिखाना इसमें तो मसूली पटनम था ना फर्स्ट फैक्ट्री तो मसूलीपट्ट नहीं था बेटा फ्रेंच तो फ्रेंच वाले तो सूरत में आए हुए थे ना में तो डच आए हुए थे तो मद्रास फ्रेंच फ्रेंच में जो इनका सेटलमेंट था उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था और फोर्ट विलियम्स कहां पर था बंगाल बंगाल वॉरन फर्स्ट गवर्नर जनरल जनरलिस्ड अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया और ब्रिटिश पैटर्न इन्हें बस ऐसा नहीं था कि कंपनी आए लूट के चले गए लूटना तो था लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी जमाना था तो यस ही एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन ब्रॉट पहली बार, बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की मदद से सुप्रीम कोर्ट को किया गया था बेटा और 1860 में इंडियन पीनल कोर्ट को लाया गया था सो इज राइट आंसर ध्यान से टाइम फ्रेम 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर रिवोल्ट 1857 के बीच के बारे में पूछ रहा है